फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी योर ड्रीम। आज बात करें 21 सितंबर के करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना होगा। खुद से ये कहना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और कुछ इस तरह का आपके साथ होगा, ऐसी फीलिंग्स आपकी होंगी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल श्योर हैं आप कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि आज के दिन करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की। साथ ही स्टैटिक जीके भी मैं आपको देता रहूँगा, पीडीएफ के रूप में भी मैं आपको दूंगा। आप डेली वीडियो देखें और अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और हिमाचल से जो है उनको मैं बता दूं कि हिमाचल जीके के लिए स्पेशल मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। ऊना ज़िले का मैं वीडियो बना भी चुका हूँ और अलग से प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं, उनको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि हम दिलाएंगे आपको गवर्नमेंट जॉब 2019 में। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराज वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा रखा गया है? ये हवाई अड्डा है अपना अगरतला में। अगरतला हवाई अड्डा है, उसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है, महाराज वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन सेवाओं के मामले में विश्व में सबसे बढ़िया एयरपोर्ट कौन से हैं? ये अभी एक सर्वे की रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, इन दोनों को ही पहला स्थान दिया गया है। ये सेवाओं के मामले में बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजकुमार जिन्होंने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? ये आपके बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, इनको पुरस्कार दिया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जो कि खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है के एन व्यास को। यह पहले बार्क बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर निदेशक भी है थे इससे पहले। नेक्स्ट, सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वो है आपका ई सहज। ई सहज पोर्टल लॉन्च किया है, ये सुरक्षा की दृष्टि से है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध रही टाइम मैगजीन को किसने खरीदा है? जो टाइम मैगजीन है वो आपकी मार्क बिनियोफ ने खरीदा है इसको, और ये एक न्यूज़ पत्रिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 भारतीय किन किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 25 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति भवन में ये दिया जाएगा मीराबाई चानू है विराट कोहली को। ये जो खेल रत्न दिए जाएंगे, इनकी सारी पीडीएफ मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, कल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिम्स्टेक प्रथम सैन्य युद्धाभ्यास जो पुणे में 10 से 16 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया, इसमें नेपाल के बाद किस अन्य देश ने भाग लेने से मना कर दिया था? सबसे पहले तो नेपाल ने भी इसमें भाग लेने से मना कर दिया था, उसके बाद थाईलैंड ने भी इसमें भाग लेने से मना कर दिया। थाईलैंड है जिस जो इस युद्धाभ्यास में भाग नहीं लिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन, कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि बिम्स्टेक का हेड ऑफिस कहाँ पर है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।